ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा वो है जो दान करता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले, इतना दान करते हैं। यहां से दिल्ली बस में बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी उसको नहीं सुनाया। पड़ोसी ने रोज घंटी बजा करके कही देवी आओ मुझे दर्शन दो, एक शब्द भी कभी नहीं सुनाती, कंजूस है। इसीलिए कंजूस मत बनो, दान करो, मनसा से दान करो। अगर कोई अंधा कई खड्डे में गिरने जा रहे हैं और जिसको आंखें है उसको रहम नहीं आएगा या देखता रहेगा, गिर रहा है तो मजा लेगा। इसी तरह आज ज्ञान की आंखें केवल आपको ही हैं, बाकी सारे कैसे हैं? अंधे ही हैं। भले वो कुछ भी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, खड्डे में गिर रहे हैं, क्या हमें उसकी रहम नहीं आता? मनसा से दो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, बाबा इसको सद्बुद्धि, इसको सद्बुद्धि देना। मनसा से भी बोलो, जो दान करता वो राजा है, जो दान नहीं करता वो राजा। पहले कहानी आती थी, एक राजा था बहुत दान करता था, उसके घर से कोई भी खाली जाता ही नहीं था। ये कौन से राजा है? आप लोग तो हैं। इसलिए दान करने का संस्कार चाहिए। कईयों को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब कुछ मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी है। करके कुछ दान पुण्य किए ही नहीं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक राजा था, एक सेठ जी थे, तो उसके घर में एक बहू आई थी। सेठ जी के घर में बहू आई थी। बहू क्या करते हैं, शादी से पहले, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी तो इच्छा थी दान पुण्य करने की, लेकिन उसके वहां भले नाम से सेठ जी थे लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। उनका बहुत बड़ा महल था, संपन्न परिवार में थे। तो एक दिन सास, पति, बहू, ये सब लोग घर के बाहर बैठे थे शाम के समय। इतने में एक सन्यासी आया और कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं बासी खाती हूं और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। उस सन्यासी ने कहा, दोबारा वो बहू कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती हूं और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं? सन्यासी तो चला गया। सास को गुस्सा आया था, उसने दो थप्पड़ लगा दिया बहू को, कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया और कब भूखा सुलाया? फिर कहते हैं मैं रोज बासी खाती और भूखी सोती हूं, आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिसके कारण मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई, तो पिछले जन्मों का खा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूं और भूखी सोती, अर्थात अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूं। तब उसके सास के मन में आया बात तो सही है, कहते ठीक है घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगता है थोड़ी तो अक्कल तो आ गई, तो रोज क्या करते है? वो चने देती है। तो एक दिन उस बहू को लगता है मैं अगर चने दूंगी तो अगले जन्म के लिए मुझे बोरी के बोरी चने मिलेंगे, अब चने खा करके मैं क्या करूंगी? तब उसकी सास कहती अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कई हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे, आज हमें इतना तरावटी माल मिल रहे हैं, इतना ज्ञान मिल रहा है, इतनी पालना मिल रहे हैं, ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, वो सभी भक्ति का फल है। इतना ज्ञान मिल रहे हैं तो कौन सा खा रहे हैं हम सभी?
पिछले जन्मों का खा रहे, बासी खा रहे। और आज हम बीके बन कर के, ज्ञानी बन कर के, अगर कुछ दान पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं की, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखा सो रहे हैं। इसीलिए कभी गलत फहमी में नहीं आना, हम यहां आ गए, मुरली सुन ली, हमें सब कुछ मिलने वाला। अगर यहां बीके बनने के बाद कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा।